हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नए प्रोडक्ट के साथ मौजूद हूं जिस प्रोडक्ट का नाम है मिमी क्रेडल। मिमी क्रेडल के यूज से मदर का लाइफस्टाइल प्लस बेबी का की लाइफस्टाइल बहुत ही आसान हो जाएगी इस क्रेडल के यूज से। आज मिमी क्रेडल के बारे में मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले क्रेडल के अंदर आपको एक मैट्रेस मिलेंगे, जिसमें जो मैट्रेस सबसे नीचे रहेंगे, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप एक थिक मैट्रेस डाल दीजिए इस मैट्रेस के ऊपर। उसके बाद टोटल ड्राई मेट का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मैट्रेस जो है गीले नहीं होंगे और वेट नहीं होगा। उसके बाद आप इस मैट्रेस को यूज करने के बाद में जब आप चाहें तो इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। ये मैट्रेस वॉशेबल भी है, जिसको वॉश करना काफी आसान है। इस मैट्रेस को वॉश कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मॉस्किटो नेट है। ये मॉस्किटो नेट जब आप बेबी को यहाँ पे सुलाएंगे क्रेडल के अंदर, तो मॉस्किटो नेट को आप लगा सकते हैं ताकि बेबी को मॉस्किटो ना काट पाए। यहाँ पे मैं आपको मॉस्किटो नेट को फिट कैसे करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ। इस तरह से मॉस्किटो नेट को आप फिट कर सकते हैं। ये वेलक्रो भी है, यहाँ पे आप इसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये फिट हो चुका है। अब आपको मैं बटन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस सब के यूज के बारे में बताने जा रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब बटन्स आप देख रहे हैं। ये जो बटन्स हैं यहाँ पे इस और एक चीज आपको और महत्वपूर्ण चीज मैं बता देता हूं कि ये बैटरी के थ्रू भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। सी टाइप बैटरी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंड आप इसको एडेप्टर से भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑन करके। ये ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे इसको प्रेस करते ही ये ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। और जो 1, 2, 3 बटन्स हैं, इसको आप जैसे ही 1 आप यहाँ पे करते हैं तो ये स्लोली स्टार्ट होता है स्विंग करना क्रेडल। 2 से थोड़ा और स्पीड होगा, 3 से और स्पीड, लो टू हाई स्पीड होता है। 6 जो है ये मैक्सिमम स्पीड होता है, 6 लेवल जो आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद में आप जो यहां पे बटन देख रहे हैं, ये बटन से आप म्यूजिक भी ऑपरेट कर सकते हैं। और म्यूजिक में आप देख रहे हैं, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे अलग अलग म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ये टाइमर है। ये टाइमर से आप जो म्यूजिक है, ये जो क्रेडल है, क्रेडल का स्विंग धीरे धीरे करके एक 15 मिनट्स के लिए स्विंग होगा, फिर आप सेकेंड प्रेस वाले में 30 मिनट्स के लिए स्विंग होगा, और एक और है यहाँ पे थर्ड लेवल में 45 मिनट्स तक ये स्विंग होता रहेगा। ये इन सब सारे फंक्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप म्यूजिक का लेवल यहाँ पे, और एक चीज महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप इस तरह से बैटरी या एडप्टर से यूज के अलावा यहाँ पे रिमोट दिए हुए हैं, जिस रिमोट का यूज करके आप सोफे पे बैठ के भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे मैं ऑन करके आपको दिखा दिया। और इस तरह से ये म्यूजिक का भी आप यूज कर सकते हैं। आप किसी एक जगह में घर के अंदर बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं और आप आसानी से इसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेबल है, इस लेबल को भी जैसे हमने यहाँ पे बटन्स के थ्रू यूज किया था, हम यहाँ पे रिमोट के थ्रू भी एक एक लेवल पे जाके इसको स्विंग को बढ़ा सकते हैं।
अब ये 6 को मैंने क्लिक किया, 6 से आप देख रहे हैं स्विंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके। फिर यहाँ पे आप चाहें तो टाइमर, जो मैंने म्यूजिक का आपको बताया था कि कैसे टाइमर सेट करते हैं, तो म्यूजिक का आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, म्यूजिक बज रहा है, आप चाहे तो इस तरह से टाइमर भी सेट कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ मैंने और आपको बता दिया इसकी स्विंग की, आप कैसे कैसे करके लेवल पे जा सकते हैं। जब आपको स्टॉप करना हो तो येलो बटन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉप, इसको क्लिक कीजिए और इससे क्या होगा कि ये स्टॉप हो जाएगा, स्विंग होना स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो गया ये। तो ये सब सारी चीजें हैं। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे ये आप इस तरह से जैसे ये स्विंग हो रहा है तो यहाँ पे इसको आप अटैच कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि स्विंग होते वक्त एक मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे और मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हैं। फोल्ड करने के लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे और इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड करके आप एक जगह पे इसको रख सकते हैं ताकि आपका स्पेस जो है वो एक कम लगे, आप एक साइड में डाल दीजिए। फिर इसको उसी तरीके से वापस आप अनफोल्ड करने के लिए जैसे पहले था वैसे बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर से इस बटन को आप प्रेस करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि पहले जैसे था उसी तरीके से हमने फिर से इसको लगा दिया। ये इस तरह से इसका काम है। ये दोनों तरफ से आपको प्रेस करना पड़ेगा, इस साइड भी दो बटन्स दिए हुए छोटे से और उस साइड भी आपको दो बटन्स देख रहे हैं आप, तो दोनों तरफ से आपको प्रेस करना होगा और फोल्ड एंड अनफोल्ड आप कर सकते हैं। और ये इस सब के सारे चीजें मैंने बता दी हैं आपको, इसको यूज करके आप इस क्रेडल का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि किस एज ग्रुप से आप यूज कर सकते हैं। न्यू बॉर्न से लेके आप 18 मंथ्स तक यूज कर सकते हैं, और इसकी जो वेट कैपेसिटी है ये 11 केजी तक अप्रोक्सीमेटली आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके के वीडियो के लिए हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।